नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कनुप्रिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की ताजा खबरों पर। यूपी की पीलीभीत के भाजपा की रंगदारी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मामले में एक भाजपा विधायक उनके क्षेत्र में खनन करने के एवज में गुंडा टैक्स की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा आरोप लगाया गया है एक ठेकेदार के द्वारा। मामले में एक ठेकेदार से यूपी के पीलीभीत से भाजपा विधायक संजय गंगवार ने गुंडा टैक्स की मांग करते हुए ठेकेदार से फोन पर कहा कि हमसे बिना मिले तुम कैसे काम कर लोगे। बताया जा रहा है कि रकम ना मिलने पर विधायक के गुर्गों ने कई बार साइट पर कार्य कर रहे लोगों के साथ मारपीट भी की है। जानकारी के मुताबिक 2 करोड़ रुपए में सालाना शुल्क पर उठा है मिट्टी के खनन का ठेका। मामले में पीड़ित ठेकेदार ने एसपी से जान की सुरक्षा की मांग की है और कहा कि मेरा ठेका भी रद्द कर दिया जाए। पीड़ित ठेकेदार ने विधायक के खिलाफ सारे सबूत सरकार को भेजे हैं। हेलो, हाँ मखदूम खान जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। हाँ मानी साहब विधायक जी बात कर रहे हैं। जी साहब नमस्कार। नमस्कार यार, एक बात बताओ जी बड़े भैया, ये अधिकारियों को पैसे देके बिना ईसी कराए भट्टे चला लोगे? नहीं साहब, अधिकारियों को तो कुछ नहीं दिया है साहब। नहीं तो बिना ईसी कराए भट्टे चला लोगे? बिना रॉयल्टी जमा करे भट्टे चलाओगे? तुम अध्यक्ष हो इसलिए तुम्हें फोन कर रहे हैं। नहीं नहीं बड़े भैया, और तुम्हारे तुम लोगों ने एक बार ये सोच के कि विधायक है मिलने भी नहीं आए। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, आपके बारे में हमेशा जो है मुलाकात। नहीं ऐसे मुझसे क्या फायदा कि अब हमने फोन कर दिया तो तुम कह रहे जी आपके बारे में हमेशा बात होती रहती, मुलाकात होती रहती है। एक भट्टे वाला जाता है, जाके एसडीएम तहसीलदार को पैसे दे आता है और धीरे से अपने पठान उठान करता रहता है। तो ये हम होने कुछ नहीं देंगे, ये आप समझ लो। हम बिटवा देंगे जांच ऊपर से, जितनी रॉयल्टी है उससे 30 गुना पेनाल्टी है। अब अंदाजा कर लो कितनी कितनी पेनाल्टी लगेगी। चलिए बड़े भैया, मुलाकात करता हूँ मैं आपसे, ठीक है साहब? मैं आपसे मिलता हूँ भाई साहब, मुलाकात करता हूँ। ठीक है साहब, देख लो आप, देख लो हमने आपको बता दिया, अब हमें दोबारा कहना ना पड़े। बढ़िया भाई साहब, बढ़िया, मैं मिलता हूँ आपसे, ठीक है साहब। झारखंड सरकार के द्वारा लाए गए भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में महासंगठन द्वारा गुरुवार को झारखंड बंद के तहत साहिबगंज जिले में बंद असरदार रहा। सुबह से ही कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर दुकानों, स्कूलों एवं सरकारी कार्यालय बंद करवाए। वहीं आदिवासी छात्र संघ ने रेल पटरी पर बैठकर रेल परिचालन भी रोक दिया। मौके पर आरजेडी अध्यक्ष राजकिशोर यादव ने कहा कि झारखंड की रघुवर सरकार झारखंड की भूमि को पूंजीपतियों के हाथों बेचना चाहती है, जो महागठबंधन कभी नहीं होने देगी। वहीं कांग्रेस नेता कलीमुद्दीन ने केंद्र की मोदी सरकार का भूमि बिल विपक्षी एकता के सामने धराशाही हो गया, वैसे ही रघुवर सरकार का बिल भी धराशाही हो जाएगा। झारखंड बंद है, विपक्ष महागठबंधन के द्वारा झारखंड बंद का आह्वान किया गया। सड़क पर आप लोग उतर चुके हैं, क्या मुद्दे हैं आपकी, क्या संभावनाएं आप झारखंड सरकार से आप कहना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। झारखंड की रघुवर सरकार यहाँ के जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके खिलाफ में भूमि अधिग्रहण बिल 2018 लेकर के आया है। उसके विरोध में हम लोग तमाम विपक्षी पूरे झारखंड में इकट्ठा हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे साहिबगंज जिला को जो है बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जिला बंदी सक्सेसफुल है और हम रघुवर सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि इस बिल को अगर आप वापस नहीं लीजिएगा तो आने वाले समय में हमारा आंदोलन और उग्र होगा और आपको समझ में आएगा कि विपक्षी एकता में कितनी ताकत है। झारखंड सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण बिल 2018 ला गया, क्या संशोधन किया गया झारखंड सरकार के द्वारा, जो कि महागठबंधन आज सड़क पर उतर चुके हैं, इसके बारे में बताएं। आज जो भूमि अधिग्रहण बिल सरकार जो लाया है वो पूंजीपतियों के लिए लाया है। गरीब का शोषण कर रहा है ये सरकार, गरीब की जमीन को कौड़ी के भाव पूंजीपतियों को देने का काम कर रही है। इनकी मंशा विपक्ष कभी सफल होने नहीं देगा। आज महागठबंधन जो है पूरी चट्टानी एकता के तहत पूरे झारखंड को बंद कराया है। अगर सरकार इस पर भी नहीं चेतता है तो आने वाले दिनों में अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश और देश की हर खबर के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।